हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव्स। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अभी तक हमने जो क्वांटम थ्योरी में पढ़ा वो पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एक प्लेट पर यूवी लाइट का हम लोग फॉल कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। और हमने पढ़ा क्वांटम इफेक्ट और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये सभी जो फिनोमिना थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिकल नेचर के बारे में, वेव के। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि इसमें, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही आपने देखा, हमने पार्टिकल को फोटॉन्स माना। लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम लोग पार्टिकल को वेव नेचर को लेकर चलने वाले हैं। इसलिए यहाँ इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, क्योंकि जो पार्टिकल नेचर था इससे हम लोग ऑप्टिकल फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे, इससे नहीं समझाया जा सकता था। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम लोग वेव नेचर का भी इस्तेमाल करें। तो 1924 में जो साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है उसमें दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक वेव नेचर भी होता है। पहले हम लोग ने केवल पार्टिकल नेचर को लेकर कंसिडरेशन में किया था, अब हम लोग वेव नेचर में बात करेंगे। जो बात इन्होंने बताई, इसके लिए इन्हें 1929 में नोबल प्राइज भी मिला था। तो अब जो हम लोग क्वांटम में पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल से। तो वेव नेचर, इसीलिए इस अब से जो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होगी उसे हम लोग न्यू क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। जो हमने पुरानी पार्टिकल नेचर के बेसिस पे पढ़ी थी उसे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। जो वेव नेचर से एसोसिएटेड है उसे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे आखिर मैटर वेव्स क्या होते हैं और डी ब्रॉगली ने इसके बारे में क्या बताया था हमें। तो दोस्तों, मैटर वेव क्या होता है? द वेव विच इज एसोसिएटेड विथ मैटर इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव। यानी जो किसी भी मूविंग पार्टिकल, कोई पार्टिकल जब मोशन में हो उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई होती है उसे हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं। द आइडिया ऑफ द मैटर वेव वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई डी ब्रॉगली इन 1924। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये मैटर वेव का जो आइडिया था ये डी ब्रॉगली ने 1924 में दिया था, जिससे हमें लाइट के डूअल नेचर का पता चलता है, कौन कौन से, पार्टिकल नेचर का भी और वेव नेचर का भी। According to the dual nature of light, sometimes light behave as a wave in case of interference, diffraction, polarization, while sometimes it behave as a particle in case of photoelectric effect, Raman effect, Compton effect. मतलब जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि dual nature होता है light का, इसलिए वो कुछ cases में optical behavior show करता है, जैसे कि इन phenomena में interference, diffraction, polarization, और कुछ में वो particle nature, जैसा कि हमने consider किया था photoelectric effect में, Compton effect में और Raman effect भी, उसमें भी। ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रॉगली फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट का यूज करके डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ निकाला था मैटर वेव्स का। मैटर वेव्स क्या होती हैं? अब आपको पता है कि जो भी वेव्स किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड होती हैं, कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है उससे जो भी एसोसिएट होने वाली वेव होती हैं उसे मैटर वेव कहते हैं। तो हम लोग दोनों में के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हमने जाना था कि जो एनर्जी का रिलेशन होता है वो होता है E=mc2, या आइंस्टीन ने हमें बताया था। और वेव नेचर के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं? वेव नेचर में हम लोग एनर्जी को h(nu) के फॉर्म में जानते हैं, एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो। तो न्यू को हम लोग c/λ भी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन हो गया hc/λ। जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा m=h/c/λ। तो जो हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे जो रिलेशन मिला है m=h/c/λ, इसे हमें क्या पता चलता है? ये बताता है हमें कि हम लोग वेवलेंथ केवल उसी पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं, केवल उसी पार्टिकल का वेवलेंथ निकाला जा सकता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट c से मूव कर रही हो। मतलब हम लोग किसी और पार्टिकल का वेवलेंथ नहीं निकाल सकते। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ऑल द पार्टिकल विच आर इन मोशन इज रिप्लेस्ड बाई v। मतलब हम लोगों ने और भी पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल मोशन में उसका स्पीड v माना जाए, तो हम लोगों ने c को रिप्लेस कर दिया v से, तो
तो हमें इक्वेशन मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और एम वी क्या होता है, मोमेंटम पी। तो लैम्डा बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। तो हम जानेंगे डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म में भी बताया था, तो हम लोग वो जानेंगे वो निकलता कैसे है। अभी जैसा कि हमने देखा कि जो वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू होती है एच बाई पी, मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी किसी मूविंग पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मोमेंटम के टर्म में हम जिसे जानते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम लिखते हैं, एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी पी हो जाता है, जिसे हम लोग पी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट टू एम ई। देखिए टू एम को इधर ई से मल्टीप्लाई, क्योंकि पी की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, फर्स्ट ये सेकेंड। तो अब हम लोग पी की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो वेवलेंथ की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच बाई अंडर रूट टू एम ई। तो ये हो गया वेवलेंथ का रिलेशन एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म में। ये एनर्जी के टर्म में इसका रिलेशन हो गया, टेम्परेचर के टर्म में मैं बता देता हूँ कैसे होगा। आप ये भी जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी मटेरियल की, वो जैसे कि ये पी स्क्वायर बाई टू एम होता है, उसी तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मटेरियल की जो होती है वो होती है 3/2 kT। अब इसको जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ ई की वैल्यू में, देखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू एच बाई अंडर रूट 3 m kT। तो ये दो रिलेशंस हैं, पहला रिलेशन वेवलेंथ का हो गया एनर्जी के टर्म में, दूसरा रिलेशन टेम्परेचर के टर्म में। तो यहाँ से आप दोनों रिलेशन देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी चार्ज पार्टिकल का कैसे निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी, क्यू उसका चार्ज है और वी उसकी वेलोसिटी। तो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू वी के इक्वल भी रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2qv। तो यहाँ से v की जो वैल्यू होगी वो हमें निकल के जाएगी अंडर रूट 2qv बाई m। ये v जो है ये पोटेंशियल है, ये v वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, मोमेंटम p की वैल्यू एम वी होती है। तो यहाँ से v की वैल्यू हम लोग उठा के फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा एच बाई एम अंडर रूट 2qv बाई m। m क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2qvm। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो q की जगह हम e रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2evm। अब यहाँ पे आप सभी चीज़ों की वैल्यू देख सकते हैं, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, e चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये सभी वैल्यू हम रिप्लेस करें तो हमें लैम्डा की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करने पे 150/v मिल जाएगी, जो कि 12.27 अंडर रूट वी। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जो वेवलेंथ होता है वो पोटेंशियल के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।